Hello children, today we are going to read chapter 2 of class 7, the cherry tree. आप लोग इस पिक्चर को देख रहे हो, इसमें क्या है, फूल खिले हुए हैं पिंक कलर के और लोग खुशियां मना रहे हैं, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं. सो दीज आर चेरी ट्रीज इन ब्लूम इन जापान. ये जापान का है, वहां पे जो चेरी ट्रीज हैं वो उसमें फूल खिले हुए हैं. चेरी ब्लॉसम्स आर कॉल्ड शाकुरा इन जैपनीज में इसमें उसको साकुरा बोलते हैं. एवरी ईयर व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम, जब ये फूल खिल देते हैं हर साल, तो लोग वहाँ पे पीपल पिकनिक अंडर द ट्रीज, उस पेड़ के नीचे लोग पिकनिक मनाते हैं एंड एडमायर द ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर्स, और वो जो पिंक कलर के फ्लावर्स निकले हुए सुंदर से फूल हैं उसको एडमायर करते हैं, उसकी सराहना करते हैं. ये जो है, दिस प्रैक्टिस इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड एंड इज कॉल्ड हनामी. ये जो है जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है जो जापान में, वो बहुत 100 साल से भी मनाया जा रहा है, उसको वो बोलते हैं हनामी. राकेश लिव्स विद हिज ग्रैंड फादर इन अ लिटिल कॉटेज इन द हिमालयन फुटहिल्स. राकेश जो है अपने दादा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में जो कि हिमालय के निचली तराई में वहां पे रहता है. His parents live in a small village 50 miles away, but there are no school there. उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक छोटे से गांव में रहते हैं जो वहां से 50 miles दूर है और वहां पे कोई स्कूल नहीं है. So Rakesh comes to live in Mussoorie with his grandfather. इसके कारण राकेश मसूरी आता है अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए. Here the soil is stony and the cold dry winds do not allow the plants to grow very tall. यहाँ की जो जमीन है वो बहुत पथरीली है और बहुत ठंडी और सूखी हवा है, जिसके कारण वहाँ पे जो प्लांट्स है ग्रो बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं. One day when Rakesh was 7, he walked home from the Mussoorie bazaar eating cherries. एक दिन जब राकेश जब वो 7 साल का था, वो मसूरी बाजार से लौट कर आ रहा था अपने घर की तरफ चेरी को खाते हुए. चेरी एक फ्रूट है, उसको खा रहा था. There were a little sweet, a little sour, small bright red cherries. वो जो थे छोटे से थे, खट्टे मीठे अलग थे और वो लाल रंग का होता है. Which had come all the way from the Kashmir Valley, जो कि बहुत दूर कश्मीर वैली से आया था वहाँ. By the time he reached home, only 3 cherries were left. जब तक वो घर पहुँचता, तब तक उसके पास हाथ में सिर्फ 3 चेरी बचे हुए थे. Have a cherry, Dada, he said. As soon as he saw his grandfather in the garden, और वो अपने दादा को बोलता है कि आप ये चेरी को खाओ. जैसे वो वहां घर पहुंचता है और देखता है अपने दादा को गार्डन में. Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. Grandfather जो है उसके जो दादाजी हैं वो एक चेरी लेते हैं खाने के लिए और राकेश जो जल्दी से प्रॉम्प्ट में इमिडिएटली वो दोनों अदर चेरीज को भी खा लेता है. He kept the last seed in his mouth for a long time, rolling it around until the tang has gone. और वो जो अपने मुंह में जो है राकेश बहुत देर तक जो लास्ट वाली सीज थी उसको बहुत देर तक मुंह में रखता है और उसको उधर से घुमाता रहता है जब तक उसकी खटास टैंग फ्लेवर जो है वो खत्म नहीं हो जाती है. Then he placed the seed on the palm of his hand. उसके बाद वो उसको अपने हाथ में रखता है. Are cherry seeds lucky? He asks. वो पूछता है क्या चेरी का सीड बहुत लकी ही होता है. ग्रैंडफादर कहते हैं ऑफ कोर्स, सेड ग्रैंडफादर, बट नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे. इफ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज. उसके दादाजी कहते हैं ऑफ कोर्स, रियली जो होता है चेरी सीड्स लकी होता है, पर लकी तब तक नहीं है कोई भी चीज है जब तक तुम उसको यूज में नहीं लाते हो और लाते हो और उसको दूर फेंक देते हो. What can I do with the seeds? वो पूछता अपने दादा से कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ सीड से. Plant it, दादा कहते हैं उसको
प्लांट करो, लगा दो जमीन में. सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड. तो राकेश जो है उसको एक छोटी सी जमीन वो देखता है, लेता है और उसको वहां पे खोदना शुरू करता है उस फ्लावर बेड की तरह, ताकि उसको वहां पे लगा सके. ही नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर. उसके दादाजी कहते हैं वहां पे मत करो. आई हैव सोन मस्टर्ड इन अ फ्लावर बेड. वहां पे मैंने सरसों का दाना लगाया, मस्टर्ड लगाया है. बट प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब. जो छायादार जगह है वहां पे उसको लगा दो, वहां पे कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा. राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. गार्डन के कॉर्नर में जाता है. ही प्रेस द सीड इन टू द सॉइल विथ हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन. और राकेश गार्डन के कॉर्नर में जाता है, वहां पे वो उसको सीड को अपने हाथों से थंब से जमीन में गाड़ देता है और वो राइट अवे मतलब वो अंदर चला जाता है जमीन में. देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड. और उसके बाद वो जाता है, अंदर जाता है, खाना खाता है और बाहर अपने दोस्तों के साथ वो खेलने चला जाता है और वो पूरी तरह से भूल गया उस चेरी सीड्स के बारे में. When it was winter in the hills, जब ठंड थी वहाँ पे हिल्स में, a cold wind blew down from the mountains and went whoo 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 in the deodar trees. जब वो वहाँ पे विंटर आ जाती है तो ठंडी ठंडी हवाएं माउंटेन से चलने लगती है और उसको साय साय की आवाज करती है जो देवदार ट्री है उनके बीचों से. In the evening, Grandfather and Rakesh sat outside near a charcoal fire and grandfather told stories about people who turned into animals, beings that jumped and stones that wept. शाम के समय में, ठंडी शाम के समय में राकेश और उसके जो दादाजी थे वो बाहर लकड़ी का कोयला जलाकर उसके पास बैठते थे और ग्रैंडफादर उसको स्टोरी सुनाया करते थे. और जो स्टोरी होती थी वो पीपल लोगों के बारे में, तो वो कैसे जानवर बन गया, जो फलों की फलियां हैं, बीन्स हैं, वो कैसे उड़ के उछला यहाँ से, और स्टोन जो पत्थर है वो दैट वेप, कौन से पत्थर कैसे रोते हैं. दीज आर द स्टोरीज दादाजी यूज टू टेल राकेश. दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग when the wind ducks flew north again to Siberia. उनको पता था कि ये स्प्रिंग है, यहाँ के लिए स्प्रिंग है, जब जो तुम्हारा जो है ठंडी हवाएं हैं वो फिर से नॉर्थ की तरफ चली जाएगी टुवर्ड्स साइबेरिया. अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप wood and light a fire, Rakesh saw a V-shaped formation flying northward. जब सुबह के समय में जब वो उठा और लकड़ियां काट रहा था आग के लिए, तो राकेश ने क्या देखा, एक वी शेप का फॉर्मेशन गठन किया हुआ एंड जो कि नॉर्थ की तरफ आ रहा था. One morning in the garden, he went to pick up what he thought was a small twig. एक दिन सुबह सुबह जब वो नीचे की तरफ झुका और उसको लगा कि ये कोई छोटी सी टहनी है, उसको उठाने के लिए वो झुका. He found to his surprise that it was a well-rooted. पर उसको बहुत सरप्राइज था कि ये कुछ तो पौधा है जो कि बहुत अच्छे से नीचे जमीन से लगा हुआ है. He ran to fetch grandfather. Calling Dada, come and look. The cherry tree has come up. वो दौड़ के जाता है और अपने दादा को लेकर आता है और कहता है दादा देखो ये जो चेरी का ट्री है वो निकल आया है. What? Cherry tree? Asked grandfather. दादाजी पूछते हैं क्या चेरी का ट्री आया है. The seed we planted last year. Look. जो हमने पिछले साल प्लांट किया था ट्री, चेरी का सीड जो बोया था वही है, देखो. दे बोथ बेंट डाउन एंड
peered at the tiny tree, और वो दोनों नीचे की तरफ झुकते हैं और उसको देखते हैं. Yes, it is a cherry tree, said grandfather. उसके दादाजी कहते हैं हाँ ये तो चेरी का ट्री ही है. You should water it now and then. और बोलते हैं कि तुम इसमें पानी डाला करो कभी कभी. राकेश went indoor and came back with a bucket of water. और राकेश दौड़ के अंदर जाता है और वहां से एक बकेट पानी का लेकर आता है. Don't drown it. उसको बहुत उसमें पानी में मत डुबो, said grandfather laughing. हंसते हुए grandfather उसको कहते हैं कि इसको पूरी तरह पानी में मत डुबो. राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles. और राकेश जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करता है और उसको कंकड़ पत्थर से घेर देता है उस जगह को. What are the pebbles for? Grandfather asked. तो उसके दादाजी पूछते हैं ये पेबल किस लिए है. फॉर प्राइवेसी, राकेश सेड. राकेश कहता है कि इसकी प्राइवेसी के लिए है. दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली. और उस साल जो है मानसून का की बरसात जल्दी आई. फोन्स स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज एंड द ट्रीज ड्रिप्ड एज द मिस्ट केम कर्लिंग अप द हिल. द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन द सीजन. इस साल जो है कि जो है मानसून की बरसात पहले आ गई थी और जितने पेड़ पौधे थे वो सारे जो हैं वो उसमें वो जो देवदार की जो पत्तियां थी वो लटक गई और उसके ऊपर उस जगह पे जो है वैली में बहुत सारी मिस्ट मतलब कुहासा आ गया और उस मौसम में जो चेरी ट्री है जो जल्दी सा बड़ा हो गया. इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन अ गोट एंटर्स द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स. जब वो 2 feet का हो गया था तब एक उस जगह पे उसके गार्डन में एक गोट अंदर आ गई और उसकी सारी पत्तों को खा गई. ओनली द मेन स्ट्रीम स्टेम एंड द 2 thin ब्रांचेज रिमेन. बस उसमें उसका जो मेन स्टेम था वो बच गया था और उसमें 2 ब्रांचेस रह गए थे. नेवर माइंड, सेड ग्रैंडफादर, सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट. इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ. तो दादाजी उसको बोलते हैं, देखते हैं कि राकेश बहुत अपसेट है तो कहते हैं कि मत परेशान मत हो तुम राकेश, ये जो है फिर से बड़ा हो जाएगा. बहुत जो होता है टफ होता है मतलब बहुत चीजों को झेल सकता है चेरी ट्री. सो ये बहुत टफ ट्री है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री. जब बरसात के खत्म होने के कगार पे था, एंड ऑफ द रेनी सीजन खत्म होने पे था, तो उस ट्री में नई पत्तियां दिखने लगी आ गई. देन अ वुमन कटिंग ग्रास केम डाउन द हिलसाइड. Her scanty swishing through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut in two. एक जब वो बरसात के अंत में एक औरत आई ऊपर अपहिल्स हिलसाइड की तरफ आई जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे आई और जो उसकी जो हंसिया थी उसको उससे वो उसको काटने लगी, घास को काटने लगी और वो जल्दी जल्दी में काटते काटते उसकी जो जो ट्री था वो भी 2 भाग में पट गया. उसने अवॉइड नहीं किया, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, वो इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में थी और उसने उसको काट दिया. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. जब दादाजी देखते हैं कि ये क्या हुआ वो उस औरत के पास जाते हैं उसको बहुत डांट लगाते हैं. बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड. पर जो हो चुका था क्षति पहुंच चुकी थी उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता था. मे बी इट विल डाई नाउ, सेड राकेश. राकेश कहता है कि अब तो शायद ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा. बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग. पर जो चेरी ट्री था उसको उसका कोई इरादा नहीं था मरने का. बाय द टाइम समर केम अराउंड अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू सूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स. जब तक वो समर आता तब तक उसमें बहुत सारी छोटी छोटी टहनियाँ आ गई थी और बहुत कोमल कोमल हरे पत्ते निकल चुके थे.
राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, राकेश भी लंबा हो गया था. ही वॉज 8 नाउ और वो 8 साल का था. ए स्टडी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर्स एंड डीप ब्लैक आईज, बहुत मजबूत सा, जिसके बाल कर्ली थे और उसकी आंखें बहुत डीप ब्लैक आईज थी उसके, और वो 8 साल का हो गया था. वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मंत्रीज प्रीचेस ऑन अ ब्रांच. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. एक दिन वो देखता है कि बहुत एक कोई बहुत चमकीला सा हरा सा प्रेइंग मंत्रीज, कीड़ा जो है ना, जो एक तरह का खाता है, उसके ऊपर बैठा हुआ है वो, जो उसका जो चेरी ट्री था उसका फर्स्ट विजिटर था वहां पे आने का. द नेक्स्ट विजिटर वॉज ए हेरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स. और उसके बाद दूसरा उसका विजिटर कौन था, कैटरपिलर था, जो कि उसकी पत्तियों को खाना शुरू कर दिया. राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. और उसको राकेश ने जल्दी से हटा दिया और उसको वहां पे सूखी पत्तियां था उस पर गिरा दिया. कम बैक वेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड. और उसको कहता है कैटरपिलर को कि तुम फिर से आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ. विंटर केम अर्ली, विंटर जो है जल्दी आया. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो. और जो चेरी ट्री था वो थोड़ा झुक गया, जो बर्फ था उसके वेट के कारण. देन इन फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे. फेब्रुअरी में राकेश का बर्थडे आ गया. ही वॉज 9 एंड द ट्री वॉज 3, बट इट वॉज ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश. और राकेश 9 साल का हो गया और जो पेड़ था वो 3 साल का, पर फिर भी वो राकेश के इतना लंबा हो गया था. वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, ग्रैंडफादर वेंट इनटू द गार्डन. ही स्टेयर्ड एट द चेरी ट्री एंड देन ही कॉल्ड आउट, राकेश कम एंड लुक. एक दिन सुबह सुबह जब जब सूरज बाहर निकल गया था, ग्रैंडफादर जो है उसके दादाजी, वो गार्डन में जाते हैं और वो बहुत एक टकटकी से स्टेयर्ड एट द चेरी, उसको देख, चेरी ट्री को देख रहे हैं. एंड देन वो बुलाते हैं, राकेश बाहर आओ, कम एंड लुक, आओ और देखो. राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री. राकेश और ग्रैंडफादर दोनों ने एक टकटकी से पेड़ को देख रहे हैं. देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच. और उसके पेड़ के पेड़ पे पिंक कलर का फूल आया हुआ था. द फॉलोइंग ईयर्स देयर वर मोर ब्लॉसम. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीता वैसे उस पे बहुत सारे फूल आने लगे. एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश. और अचानक से सडनली जो पेड़ था वो राकेश से भी बड़ा हो गया. एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंड फादर हु वॉज ओल्डर देन सम ओक ट्रीज. बट राकेश हैड ग्रोन टू. ही कुड run and jump and climb trees as well as most boys, and he reads a lot of books, although he still like listening to grandfather's stories. Rakesh bhi bada ho gaya tha, wo run karta tha, jump karta tha, tree pe par chadhta tha jaise sare bacche karte the, wo bahut sari kitabein padhta tha, aur phir bhi usko apne dadaji ka story sunna pasand tha. Bees came to feed on the nectar in the blossoms of the tree, and tiny birds picked at the blossoms and broke them off, but the tree kept blossoming. बहुत सारे वहाँ पे मधुमक्खियाँ आती थी, छोटी छोटी चिड़ियाँ आती थी, और उसको जो उस पेड़ पे तुम्हारे फूल लगे थे उसको तोड़ भी देती थी चिड़ियाँ, और मधुमक्खियाँ वहाँ से फूलों से मधु निकालने के लिए आती थी. बट फिर भी जो पेड़ था वो उसमें ब्लॉसमिंग बहुत सारे फूल आते रहते थे. That summer, there were small cherries on the tree. और समर को वहाँ उस पेड़ पे स्मॉल चेरी भी लगा. राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट. राकेश ने उसको टेस्ट किया और उसको थूक दिया. स्पैट इट आउट मीन्स थूक दिया. इट इज टू सॉर, ही सेड. वो कहता ये तो बहुत ही खट्टा है. दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंड फादर रिप्लाइड. वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर जो होगा ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसके ग्रैंड फादर कहते हैं. Few days later,
On a warm sunny afternoon, Rakesh went into the garden and they lay down on the grass beneath the tree. एक कुछ दिन के बाद राकेश जो होता है वार्म सनी मतलब थोड़ा सा गर्म था आफ्टरनून को दोपहर में राकेश गार्डन में जाता है और उस पेड़ के नीचे वो लेट जाता है. ही गेज अप थ्रू द लीव्स एट द ब्रेट ब्लू स्काई. वो उस पत्तों के बीच से ऊपर जो ब्लू स्काई था उसको देख रहा है. ग्रैंडफादर केम आउट टू एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार केम आउट. और वो लोग वहाँ पे बहुत देर तक लेटे रहे जब तक वो वहाँ पे स्टार्स स्काई में आ नहीं गए. देर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश. राकेश कहता है कि इस जंगल में बहुत सारे ट्री हैं. वाई डू वी लाइक दिस ट्री सो मच. पर हम लोगों को ये ट्री क्यों बहुत पसंद है. बिकॉज वी प्लांटेड इट आर सेल्स सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस ट्री को खुद लगाया है इसलिए हमें पसंद है. जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन. और वो बोलता है जस्ट एक छोटी सी बीज से इतना बड़ा ट्री हो गया एंड उसके तनों को वो छूता है. आई वंडर्ड ही विस्पर्ड. वो कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है. वो धीरे से फुसफुसाता है. क्या फुसफुसाता है? इज दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी गॉड. क्या इस तरह से तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो. दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. नाउ बेस्ड ऑन दिस स्टोरी सम क्वेश्चन एंड आंसर्स आर देयर. चिल्ड्रन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Where had the cherries come from? What does grandfather tell Rakesh about luck? How did Rakesh know it was spring? In which season did the cherry tree grow quickly? What happened to the cherry tree at the end of the rainy season? What is grandfather's explanation for why they like the cherry tree so much? आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी. फिर भी यदि किसी भी क्वेश्चंस में या स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे भी अपने क्वेश्चंस को लिखकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.